खबर, उत्तर प्रदेश फतेहपुर से माफियाती के करीबी हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद का 3 मंजिला मकान गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। एक दिन पहले ही अहमद ने हत्या के मामले में आत्मसमर्पण किया था। अहमद पूर्व प्रधान खकेरू क्षेत्र में 2005 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर अहमद को हाजिर होने का आदेश किया था। हाजिर न होने पर पुलिस ने इनाम घोषित कर तलाश शुरू की। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के करीबियों की सूची में उसके परिवार का नाम सामने आया। दबाव पड़ने अहमद ने 15 मार्च को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। प्रशासन को अहमद का रहमतपुर स्थित घर 196 तालाबी संख्या में बना मिला। तालाब के 5 बीसवा जमीन पर अतिक्रमण था। गुरुवार को खागज डीएम मनीष कुमार सीओडीसी मिश्रा मौके पहुंचे। 7 थानों के फोर्स और पीएसी को भी लगाया गया। इसके बाद इमारत को ढाने का सिलसिला शुरू हुआ। 3 जेसीबी ने शाम तक मकान को ध्वस्त कर दिया। माफिया अतीक से संबंध रखने वाले कुख्यात अथर उसके 2 बेटों को अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।